हेलो, वेलकम टू आईके क्लासरूम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो है ना प्लांट्स में कैसे होगा। ठीक है जी। सो द टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ट्रांसपोर्ट जो है, द ट्रांसपोर्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है जी। सो वी हैव हियर द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड वी हैव द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, ध्यान दीजिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन उसके लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट्स द ग्रेडियंट। ठीक है जी। देखिए, अगर मैं ग्रेडियंट की बात करता हूँ तो देयर कैन बी मैनी ग्रेडियंट्स, बट यहाँ पे मैं जो बात करूंगा दैट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लो मैंने कहा कि दिस इज द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द टू साइड्स। तो यहाँ पे मैंने कहा एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए, जिसका कंसंट्रेशन जो है ना काफी ज्यादा है। लेकिन इस साइड से जो मॉलिक्यूल ए है, इसका कंसंट्रेशन जो है ना काफी कम है। तो मैंने कहा यहाँ पे जो है ना कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, सो वी कॉल दिस एज द ग्रेडियंट। सो देयर इज अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, सो वी कॉल इट एज दिस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ अगर ट्रांसपोर्ट इस मॉलिक्यूल का होगा फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, तो वी कॉल दिस एज अलोंग द ग्रेडियंट, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ग्रेडियंट बन रहा है, तो दिस इज द अलोंग द ग्रेडियंट। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट में जाएं तो तब हम इसको बोलेंगे अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है जी। तो ये जो मैंने यहाँ पे अलोंग द ग्रेडियंट लिखा, तो इसके लिए जो है ना मैं टर्म यूज करता हूँ, अलोंग द ग्रेडियंट के लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं, दैट्स अ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ओके। और अगेंस्ट द ग्रेडियंट के लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं, दैट इज द अप हिल ट्रांसपोर्ट। ओके। अब देखिए, जब ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट होगा तो ये ट्रांसपोर्ट जो है ना, इट हैज इट्स ओन टेंडेंसी टू मूव अलोंग द ग्रेडियंट। सो ये यहाँ पे जो है ना कोई एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगेंस्ट द ग्रेडियंट अगर आप जा रहे हो, इफ द ट्रांसपोर्ट इज अप हिल, तो ये हमें यहाँ पे जो है ना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है जी। तो दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट मेंशन किया, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट सबसे पहली बात तो ये है कि दिस ट्रांसपोर्ट विल ऑकर अलोंग द ग्रेडियंट। ये ट्रांसपोर्ट जो है ना अलोंग द ग्रेडियंट होगा। दूसरी बात ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में देर इज नो एटीपी रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कोई एनर्जी सोर्स नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, इट इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। ठीक है जी। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड सिंपली डिफ्यूजन। ठीक है। एंड द सेकेंड दैट इज कॉल्ड इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है जी। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखिए, अगर मैं डिफ्यूजन को डिफाइन करने की कोशिश करूँ, तो डिफ्यूजन का सिंपल मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे उसी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जो है ना लो है। ठीक है। सो अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इन दैट केस आई कैन से दैट दिस इज सिंपली डिफ्यूजन। ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पे डिफ्यूजन में आपने देखा, सबसे पहली बात तो ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई एटीपी यूज नहीं हुआ। ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है ना कोई कैरियर भी यूज नहीं हुआ, यानी हमें किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। सो दैट मीन जो डिफ्यूजन का डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, ठीक है, इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन सिलेक्टिव। ओके। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अब जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा तो जो मॉलिक्यूल्स यहां से यहां डिफ्यूज होंगे, दे विल डिफ्यूज टिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है जी। यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस तब तक होगा जब तक क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। सो टिल इक्विलिब्रियम। ओके। सो दैट मींस कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्चुअल में डिफ्यूज होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिफ्यूज नहीं होंगे। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिफ्यूज होते हैं, वी कॉल देम एज द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। ठीक है जी। सो वी कैन से वी हैव हियर द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। ठीक है। सो डिफ्यूजिंग पार्टिकल जो है, इनकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रेशर। सो दैट मीन्स द डिफ्यूजन प्रेशर इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर, ठीक है, दैट इज एग्जर्टेड बाय
डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। तो डिफ्यूजिंग पार्टिकल की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो उसी प्रेशर को हम जो ना डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। ठीक है जी, देखिए डिफ्यूजन प्रेशर को मैं डिनोट करूंगा डीपी से। ठीक है, तो देखा गया जो डीपी है, इट इज मैक्सिमम फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर के लिए ये क्या है, मैक्सिमम। ठीक है जी, तो इसी प्योर वाटर में अगर हम जो है ना कोई सोल्यूट ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द प्योर वाटर, तो यहाँ पे मैंने लिखा ये प्योर वाटर है, तो इस प्योर वाटर में हमने इस तरह से यहाँ से सोल्यूट ऐड कर दिया। तो सोल्यूट ऐड करने से क्या हुआ कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो इस सोल्यूट पार्टिकल के साथ जो है ना क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, तो उसकी वजह से जो अवेलेबल डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स है वो कम हो जाएंगे, यानी यहाँ पे जो है ना वी कैन सी जो डीपी है, डिफ्यूजन प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स प्योर वाटर में अगर आप सोल्यूट ऐड करते हो, तो दैट मीन्स प्योर वाटर जो है ना वो किस में कन्वर्ट होगा, सोल्यूशन में कन्वर्ट होगा। सो दैट मीन्स अगर मैं सोल्यूशन को प्योर वाटर के साथ कंपेयर करूँ, तो सोल्यूशन का डीपी जो है ना वो कम होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर का हमने देखा इट इज मैक्सिमम। ठीक है, सो नाउ दिस इज अंडरस्टूड कि अगर मेरे पास दो बीकर हैं, तो एक में मेरा सोल्यूशन है, ठीक है, और एक बीकर में मेरा जो है ना प्योर वाटर है। तो मैंने कहा यहाँ पे सोल्यूशन जो है इसका डीपी जो है ना कम होगा, ठीक है, और जो प्योर वाटर है इसका डीपी जो है ना मैक्सिमम है। सो दैट मीन्स यहाँ पे सोल्यूशन को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, तो सोल्यूशन में जो है ना डिफिशियंसी है, यानी इसमें कमी है किसकी, डिफ्यूजन प्रेशर की। सो दैट मीन्स वी कॉल दिस डिफरेंस एज द डीपीडी, दैट्स अ डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, जो सोल्यूशन में जो डीपी कम है, कम होने की वजह से हमने इसको नाम दिया डीपीडी, दैट्स अ डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। इसी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की वजह से यहाँ पे जो है ना एक प्रेशर क्रिएट होगा, दैट्स कॉल्ड अ सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर जो सोल्यूशन में क्रिएट होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द डीपीडी। सो इसी डीपीडी की वजह से जो है ना इट विल अट्रैक्ट और इट विल कैच द वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, सो वी कॉल दिस एज द डीपीडी। सो डिफ्यूजन में हमने देखा कि व्हाट इज द डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर एंड व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। सो अब हम बात करेंगे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, यानी मोमेंट ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल जो है ना, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर हमने लिया यहाँ पे टेम्परेचर का। ठीक है, देखिए टेम्परेचर अगर आप किसी सब्सटेंस का बढ़ाते हो, यानी किसी जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स है उनका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनका काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि जो कोलूजन है, मॉलिक्यूलर कोलूजन्स है, वो बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी, लेकिन अगर हम इन दो फैक्टर्स की बात करें, दैट्स अ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो इस केस में डिफ्यूजन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, चाहे डेंसिटी ऑफ मीडियम हो चाहे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो। ठीक है जी, तो दोनों में डेंसिटी से अगर हम रिलेट करें, तो डिफ्यूजन जो है ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर आप डेंसिटी बढ़ाते हो, यानी अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है या मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है। नाउ कम टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दैट्स अ सेकंड टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें ये चीज समझनी होगी, जैसे मान लो यहाँ पे मॉलिक्यूल ई है, इसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। ठीक है जी, लेकिन इस साइड से मॉलिक्यूल ए का कंसंट्रेशन काफी कम है। तो अब यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट इस डायरेक्शन में होगा, तो हम इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, बिकॉज इट इज अलोंग द ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो ना कोई एटीपी जो है ना रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अब डिपेंड करेगा, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से मोमेंट स्टार्ट करेगा, तो डिपेंड करेगा जो सामने मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, क्या वो इस मॉलिक्यूल के लिए परमेबल है कि नहीं। तो अगर वो इस मॉलिक्यूल के लिए परमेबल है, तो ये मॉलिक्यूल इजीली इसको क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर वो परमेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे किसी ट्रांसपोर्टर या किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो डेट मीन्स यहाँ पे प्रोसेस जो है ना अलोंग द ग्रेडियंट ही होगा, इसलिए हमने इसको पैसिव बोला। ठीक है जी, कोई एटीपी यूज नहीं होगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमें यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। सो वी नीड हियर अ कैरियर प्रोटीन। ठीक है जी,
तो एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अब वो कैरियर प्रोटीन जो है डेट कैन बी ए चैनल, वो एक चैनल हो सकती है अगर आयंस है, डेट कैन बी अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है जी, वो एक ट्रांसपोर्टर हो सकता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा कैसे। देखिए एक्चुअल में क्या होगा, जैसे मान लो ये मैंने कहा ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इस पे यहाँ पे हमने कैरियर लगा दिया, दिस इज द कैरियर प्रोटीन, नाउ नेम दिस सी, सी फॉर कैरियर, ओके। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल ए है, तो मॉलिक्यूल ए जो है ना वो इस तरह से इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे एक कन्फॉर्मेशनल चेंज होगी इसमें, देर इज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज। तो कन्फॉर्मेशनल चेंज होने के बाद ये कैरियर प्रोटीन जो है ना ये कुछ इस तरह से अलाइन होगा, यानी मॉलिक्यूल ए जो है ना वो इस साइड से आ जाएगा और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ए जो है ना इट इज रिलीज्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। सो डेट मीन्स अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स यूज कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है टू कैरी द मॉलिक्यूल्स। तो डेट मीन्स सपोज फॉर मॉलिक्यूल ए देर आर थ्री ट्रांसपोर्टर्स, सो दे कैन कैरी थ्री मॉलिक्यूल्स सपोज, तो उस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो एक टाइम पे जो है एक टाइम पे ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं दे विल गेट सैचुरेटेड, तो यहाँ पे सैचुरेशन जो है ना एक टाइम पे अचीव होगी, ठीक है जी। सो दूसरी बात ये है कि जो मॉलिक्यूल ए है इसके लिए जो कैरियर प्रोटीन है वो इसी के लिए स्पेसिफिक है, वो किसी और को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। सो डैट मीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में ये है कि यहाँ पे जो है ना एक टाइम पे सैचुरेशन अचीव होगी, सो सैचुरेशन इज अचीव्ड, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इट इज़ हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, ठीक है जी। ये दो टर्म्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है जी। तो हमने देखा था कि डिफ्यूजन को, जो सिंपल डिफ्यूजन है वहाँ पे सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, एंड दैट्स नॉट हाईली, दैट्स नॉट सिलेक्टिव, दैट्स नॉट स्पेसिफिक। सो यहाँ पे हमने देखा इट इज़ हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और यहाँ पे कैरियर की जरूरत पड़ेगी। सो अगर मैं जल्दी से देखूं कुछ डिफरेंट डिफरेंसेस, अगर देखूं मैं डिफ्यूजन का जो है ना प्रोसेस, अगर मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कंपेयर करूं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने देखा यहाँ पे जो है ना कैरियर नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैरियर चाहिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। दूसरी बात हमने देखा यहाँ पे जो है ना दिस इज नॉन स्पेसिफिक, लेकिन हमने देखा दिस इज स्पेसिफिक, दिस इज हाईली सिलेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सैचुरेशन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है डिफरेंसेस किसके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो कम टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो मैंने फिर से कहा यहाँ पे मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ए है जिसका काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है और इसी मॉलिक्यूल ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत कम है। तो मैंने कहा था अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वी कॉल इट एज द अलोंग द ग्रेडिएंट, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। लेकिन अगर हम इस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने कहा इसे दिस इज अगेंस्ट द ग्रेडिएंट, तो अगेंस्ट द ग्रेडिएंट के लिए हमें जो है ना एटीपी चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना दिस इज अगेंस्ट द ग्रेडिएंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इसको हम जो है ना अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलेंगे, वी कैन से दिस इज द अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और एटीपी के साथ साथ यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टर्स की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। अब देखिए ट्रांसपोर्टर्स की अगर हम बात करें तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टर, यूनिपोर्टर है, सिम्पोर्टर है या एंटीपोर्टर है। तो अब देखते हैं इन तीनों का काम करने का तरीका क्या है। देखिए यूनिपोर्टर के थ्रू जो है एक सिंगल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, चाहे सिंपोर्टर हो चाहे एंटीपोर्टर हो, दे विल ट्रांसपोर्ट टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब सिंपोर्टर में जो दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर एंटीपोर्टर की बात करें तो यहां पे दो मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो इस फिगर को देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने यूनिपोर्टर की बात की है, तो देखिए यूनिपोर्टर में ट्रांसपोर्ट जो है एक मॉलिक्यूल का हो रहा है, ठीक है जी, और एंटीपोर्टर में दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी ये मॉलिक्यूल जो है बाहर आ रहा है और ये मॉलिक्यूल जो है अंदर आ रहा है। सिंपोर्टर में हम दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी अगर दोनों बाहर है तो दोनों अंदर आ रहे हैं, अगर दोनों अंदर है तो दोनों बाहर आ रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द सिंपोर्टर, दिस इज एंटीपोर्टर एंड दिस इज यूनिपोर्टर।
तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा ट्रांसपोर्टर की भी रिक्वायरमेंट है, तो हमने देखा वहां पे कि किस तरह से यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टर्स यूज होते हैं। ठीक है जी, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कभी इस तरह से बनता है आपका कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है तो उस पर कभी कभी ऐसा दिया गया हो आपको कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया एक एरो इस तरह से, इसको नाम दिया ए, तो यहाँ पे दिखा दिया दो एरोस लेकिन सेम डायरेक्शन में, तो इसको नाम दिया गया बी, और तीसरा जो है ना एक ऐसा बनाया गया जिसमें जो है ना दो एरोस दिखाए अपोजिट डायरेक्शन में, उसका नाम दिया सी। तो फिर आपसे वहां से पूछा जाएगा कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता सकते हो दिस इज यूनिपोर्टर, दिस इज सिमपोर्टर एंड दिस इज एंटीपोर्टर। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैंने बात की कि इट इज द अपहिल ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द यूनिपोर्टर, सिमपोर्टर एंड एंटीपोर्टर। जैसे प्राइमरी एक्टिव, जैसे मैंने कहा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में, दैट्स अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, देखिए प्राइमरी में एटीपी यूज होता है डायरेक्टली, यानी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है वो खुद एटीपी यूज करेगा और ट्रांसपोर्ट करवाएगा, लेकिन सेकेंडरी में जो एटीपी है वो इनडायरेक्टली यूज होता है, यानी एक्चुअल जहां पे ट्रांसपोर्ट होगा वो एटीपी यूज नहीं करेगा बट उसकी जगह कोई और एटीपी यूज करेगा। ठीक है जी, तो उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, तो एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द सोडियम पोटेशियम एटीपीस, सोडियम पोटेशियम एटीपीस। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे देखा जाए तो सोडियम पोटेशियम है और एटीपीस, तो डेट मीन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो होगा वो सोडियम का होगा और पोटेशियम का होगा। ठीक है जी, और ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीपोर्टर, तो डेट मीन्स यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे मेम्ब्रेन लिया, तो दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल एंड यहाँ से मैंने लिया आउटसाइड। देखिए आउटसाइड सोडियम की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा रहती है, ठीक है जी, और इनसाइड जो है ना पोटेशियम की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा रहती है। ठीक है जी, तो जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस है ये ट्रांसपोर्ट जो है ना अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा, सो दैट मींस यहाँ पे सोडियम जो है ना दैट विल मूव इनसाइड टू आउटसाइड, और तीन सोडियम जो है ना बाहर मूव करेंगे, और जो पोटेशियम है दैट विल मूव आउटसाइड टू इनसाइड, और दो पोटेशियम अंदर की तरफ मूव करेंगे। यानी इस ट्रांसपोर्टर का जो रेशियो है दैट इज 3:2, यानी तीन सोडियम का ट्रांसपोर्ट और दो पोटेशियम ट्रांसपोर्ट होंगे। अब देखिए जैसे इस ट्रांसपोर्ट के साथ हमने लिखा है एटीपीस, तो एटीपीस का मतलब होता है एक ऐसा एंजाइम जो एटीपी को ब्रेक करेगा किसमें, एडीपी एंड द फॉस्फेट। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इस टाइम पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी जो है ना यूटिलाइज होगी फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। सो दैट मींस यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टर ने, इस एंटीपोर्टर ने डायरेक्टली एटीपी को यूज करके जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करवाया अगेंस्ट द ग्रेडियंट, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वील सी वॉट इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द एग्जाम्पल। ठीक है जी, उसके बाद वील मूव टू द मेन टॉपिक दैट इज ऑस्मोसिस। ठीक है जी, थैंक यू।